मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा किडनी स्टोन्स के बारे में। जो किडनी स्टोन्स हैं, दे आर वेरी कॉमन। किडनी स्टोन्स के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां, एंड सही बात यह है कि किडनी स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट है, आप कई बार ऐसा समझते हैं कि शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तो स्टोन बनते रहते हैं, निकलते रहते हैं। कुछ लोग इसकी झड़ाई फुकाई कराते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक कुछ जड़ी बूटी खाते रहते हैं, बट किडनी स्टोन एट टाइम्स कुड बी ए सीरियस प्रॉब्लम, उसको आपको समझने की जरूरत है। नाउ आप अगर देखें तो जो किडनी स्टोन्स हैं, दे आर वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू। एक पेशेंट को मैंने देखा, उनका नाम था मिस्टर राम भजन। उनके एज थी 38 ईयर्स। उनको बार बार पेट में दर्द होता था, जो पीछे की तरफ भी जाता था, जिसके लिए आप वो पेन किलर लिया करते थे एंड या कोई जो ना बाम लगा लिया करते थे, उससे पेन उनका रिलीफ होता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि पेन उनको बहुत ज्यादा हुआ और उसके चलते मुझे उन्हें इन्वेस्टिगेट कराना पड़ा व्हेन ही केम फॉर द कंसल्टेशन। एंड उसमें सामने आया कि इनकी जो किडनी है उनमें बड़े बड़े स्टोन है। इन बड़े बड़े स्टोन के साथ में इनकी जो किडनी है वो डैमेज हो गई है, और साथ में उनको डायबिटीज भी निकली। तो डायबिटीज और किडनी स्टोन दोनों ने मिला के इनकी जो किडनी है उसको इतना डैमेज कर दिया कि जो ट्रीटमेंट था वो डायलिसिस के लेवल तक पहुंच चला गया। नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इट्स ए सीरियस इशू इन द सेंस कि अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो साइंस ऐसा मानती है कि 10% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, उसको किडनी स्टोन्स होते हैं इन देयर लाइफ टाइम। 10% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड ये जो इस तरह के जो स्टोन्स होते हैं वो हमेशा अंडर एस्टिमेट किए जाते हैं, इनको हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। लेकिन अगर इनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया और इनने कहीं कॉम्प्लिकेशन अगर क्रिएट किए, अगर कोई इंफेक्शन क्रिएट किए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि किडनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है एंड ये प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है। जहां तक सीरियसनेस का सवाल है, जो किडनी स्टोन क्रिएट करते हैं वो चार चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, जो स्टोन है किडनी में उसकी साइज क्या है एंड पोजीशन क्या है। नंबर दो, जो किडनी है उसका फंक्शन कैसा है, किडनी काम कैसा कर रही है। तो स्टोन तो है पर काम कैसा कर रही है। तो नंबर वन वुड बी जो स्टोन है किडनी में उसकी पोजीशन क्या है इन उसकी साइज क्या है, और नंबर दो जो किडनी का फंक्शन है वो कैसा है। नंबर तीन, जो किडनी का स्टोन है वो वास्तव में यूरिन का जो फ्लो है या किडनी से जो निकलने वाली यूरिन का फ्लो है उसमें रुकावट पैदा कर रहा है कि नहीं। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, चाहे वो यूरेटर में करे, चाहे पेल्विस के लेवल पे करे, किडनी डैमेज होगी। नंबर चार, क्या इसके साथ में एसोसिएटेड इंफेक्शन है। अगर इंफेक्शन है तो किडनी डैमेज होगी। तो स्टोन इन चार चीजों पर डिपेंड करता है कि वास्तव में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भी है कि कभी कभी एक सिंगल छोटा स्टोन होता है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। से फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को एक ही किडनी होती है, सिंगल किडनी होती है सिंस बर्थ। जो सिंगल किडनी होती है तो पता लगा कि जो वो किडनी जो है आपके पास में उसमें एक छोटा सा स्टोन है, तो वो जो छोटा स्टोन है वो भी डैमेज करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी स्टोन ऐसा नहीं है जिसको इररिलेवेंट माना जाना चाहिए। जो भी स्टोन्स हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए और उनको ट्रीट करना चाहिए। नाउ ये जो किडनी स्टोन्स हैं ये वास्तव में किन लोगों को होते हैं, क्या कोई एज ऐसी है कि जिस एज में पर्टिकुलरली होते हैं। साइंटिफिकली पहले माना जाता था कि किडनी जो स्टोन्स हैं वो सबसे ज्यादा 20 से 50 साल की उम्र तक होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एज इम्यून नहीं है। बच्चों को होते हैं, एल्डरली पीपल को होते हैं, बट 20 से 50 साल की जो उम्र है उसमें सबसे ज्यादा होते हैं। जो तीन ग्रुप के लोग हैं जिनकी हैबिट्स ऐसी हैं जिनमें होने की संभावना है, उनको देखिए। नंबर वन, अगर आपको हैबिट है पानी कम पीने की या फ्लूइड्स कम लेने की, तो यूरिन कंसंट्रेट होगी, स्टोन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। नंबर दो, अगर आपको आदत है हाई एनिमल फूड खाने की, रेड मीट, चिकन, मटन, इस तरह की चीज ज्यादा खाने की आदत है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा है कि आपको किडनी स्टोन होंगे। नंबर तीन, अगर आपकी हैबिट है ज्यादा साल्टी डाइट खाने की, प्रोसेस्ड फूड जिसमें साल्ट ज्यादा है, तो किडनी स्टोन बनने की संभावना होती है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो किडनी स्टोन है वो डोमिनेंटली मेल्स या पुरुषों को होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितनी फ्रीक्वेंसी में ये मेल्स को होते हैं, लगभग उतनी ही फ्रीक्वेंसी में ये फीमेल्स या महिलाओं को भी होते हैं। शायद जो लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स में जो चेंज हुआ है उसके चलते इसका जो एक इंसिडेंस है एंड उसका जो प्रेवलेंस इन डिफरेंट जेंडर्स उसमें चेंज आया है। नाउ क्यों बनते हैं वास्तव में। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ये जो सिंड्रोम एक्स है,
उस सिंड्रोम एक्स में समाव स्टोन्स ज्यादा कॉमन है। जो सिंड्रोम एक्स है वो एक बार उसको ध्यान से देखिए, जो सिंड्रोम एक्स है कि अगर आपकी जो लाइफस्टाइल है वो सीडेंटरी है, नंबर एक, अगर आप प्री डायबिटिक हैं यानी डायबिटीज नहीं हुई है लेकिन प्री डायबिटिक हैं, आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट गड़बड़ है, आपको अगर हाइपरटेंशन अंडरलाइंग है, आपकी ओबेसिटी है, आपको आपका बीएमआई ज्यादा है, आपकी जो वेस्ट साइज है वो ज्यादा है यानी आपकी तौंद निकली हुई है, ये इस तरह का मोटापा है, आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो ऊपर की तरफ है, और नंबर सात आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो ऊपर की तरफ है, अगर आप सिंड्रोम एक्स में की कैटेगरी में आते हैं तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको किडनी स्टोन की संभावना ज्यादा होगी। साइंटिफिकली जो डायबिटिक्स होते हैं उनको किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। नाउ किडनी स्टोन क्यों बनते हैं? अगर जो यूरिन है, अगर यूरिन के अंदर कैल्शियम, यूरिक एसिड एंड ऑक्सलेट, अगर ये तीन चीजों का सुपर सेचुरेशन होगा, कैल्शियम, यूरिक एसिड एंड ऑक्सलेट, अगर इन तीन चीजों का सुपर सेचुरेशन होगा यूरिन में, तो जो किडनी स्टोन्स हैं उनके बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ऊपर की तरफ जाएगी। साइंटिफिकली ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई कंजेनेटल एबनॉर्मेलिटीज हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक हो या एनाटॉमिकल हो, कि बनावट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे हार्श शू किडनी हो जाती है, सॉलिटरी किडनी होती है, अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं तो किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी हमेशा ज्यादा होती है। नाउ एक बार अगर किडनी स्टोन है तो वो अलग अलग स्टेजेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होने के चलते उनको इग्नोर करते हैं, इन वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। नंबर वन, कि अगर किडनी स्टोन है तो कमर में दर्द उठेगा, जहां मैंने अंगूठा रखा यहां से ये दर्द है वो सामने की तरफ आएगा, इन ऑलमोस्ट राइट साइड यूरिन वाले ट्रैक तक जाने की कोशिश करेगा। नंबर दो, कभी कभी दर्द यहीं रह सकता है अगर स्टोन सिर्फ किडनी में भी है लेकिन यूरेटर में नहीं आया है। नंबर तीन, इस दर्द के साथ कुछ यूरिन में प्रॉब्लम होगी, यूरिन रुक रुक के हो सकती है, जलन हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन लगी है लेकिन उतरे ना, एंड कभी कभी यूरिन में ब्लड आने का डर रहता है। एंड नंबर चार, आपको बार 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 यूरिन जाना पड़ेगा, यूरिन पास होने के बाद भी ऐसा लगेगा कि यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हुई है। अगर इंफेक्शन साथ में डेवलप हुआ तो इस पेन के साथ में बुखार आएगा, फीवर आएगा, जो बहुत ठंड देके आएगा, तो अगर इंफेक्शन हुआ तो फीवर भी आएगा। नाउ अगर किडनी स्टोन्स को इग्नोर किया गया और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो स्टोन्स हैं ये किडनी को डैमेज करने की ताकत रखते हैं। अगर इसमें इंफेक्शन डेवलप हुआ तो जो किडनी है वो परमानेंटली डैमेज होने की कैपेबिलिटी उसमें चली जाती है, और अगर एक बार परमानेंट डैमेज हुआ तो वास्तव में ट्रीटमेंट इस स्टेज तक चला जाता है कि आपको डायलिसिस की जरूरत पड़े। तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो इस तरह के जो स्टोन्स होते हैं वास्तव में इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, पाइलोनेफ्राइटिस करते हैं, एंड जो किडनी है उसको परमानेंट डैमेज करने की ताकत रखते हैं, और एक बार जो ना इतना इंफेक्शन डेवलप हुआ तो सेप्सिस होगी एंड लाइफ सीरियसली खतरे में चली जाती है। बट स्टोन्स को बचाने के लिए बहुत सिंपल अगर आप स्टेप्स लेते हैं तो यह बिल्कुल बात सही है कि आपको स्टोन्स डेवलप नहीं होंगे। नंबर वन, आदत बनाएं कि पानी काफी मात्रा में पिएं। नंबर दो, ऑल दोज फूड्स जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है उनको लिमिट के साथ खाएं, जैसे पालक में ऑक्सलेट काफी ज्यादा है, जो सोयाबीन है उसमें ऑक्सलेट ज्यादा है, जो आलमंड्स हैं उनमें ऑक्सलेट ज्यादा है, इनफैक्ट जो पोटैटो है या आलू है उसमें भी ऑक्सलेट की अमाउंट सिग्निफिकेंट है, तो इन्हें खाना है बट इन अ बैलेंस्ड अमाउंट। देन साल्ट का इंटेक नीचे तरफ करने की जरूरत है, जो रेड मीट है या जो इस तरह के प्रोडक्ट है जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है उनको रिड्यूस करने की जरूरत है। इन इसके अलावा साइंटिफिकली माना जाता है कि अगर आप डाइल्यूटेड लेमन वाटर पीते हैं तो भी किडनी स्टोन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बट अगर सेफ रहना है तो बात यही है कि हैलमार्क यह है कि जो किडनी स्टोन्स हैं उनको कभी भी इररिलेवेंट ना माना जाए। जो किडनी स्टोन्स अगर हैं उनको हमेशा सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि टाइमली अगर डायग्नोसिस हुई किडनी स्टोन की और मेडिकल इंटरवेंशन जो जिसकी भी जरूरत है उसको आपने अर्ली कराया तो ये बात सही है कि किडनी सेफ रहेगी, और किडनी सेफ रहेगी तो बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो स्टोन्स के चलते डेवलप होते हैं उससे आप हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि किडनी स्टोन्स के इस एस्पेक्ट को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।